हमारे साथ मौजूद हैं प्रीतेश राजपूत, जो कि लोरमी इलाके के एक छोटे से गांव मझगांव के रहने वाले हैं और उन्होंने बड़ा कमाल किया है और यूपीएससी में 697 और रैंक लाकर न केवल मुंगेली जिले का बल्कि प्रदेश का नाम रोशन किया है। हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह ये सफलता मिली और कितनी मेहनत करनी पड़ी और अब कितनी खुशी हो रही खुशी तो है। बहुत है अभी, और इसके लिए जैसे कि सबको पता ही रहता है कि यूपीएससी के लिए कितना मेहनत लगता है, इसके लिए मैंने भी जी जान से इसके लिए मेहनत किया था, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। इसके पहले जैसे कि अभी आप शायद डिप्टी कलेक्टर पद पे हैं, तो जी कौन कौन से एग्जाम हैं जिन्हें आपने निकाला है और किस तरह परिणाम? मैं बैंकिंग के साथ टीचर, दो बार टीचर का एग्ज़ाम निकाला, दो बार पीएससी का, और ये पहला सेकंड अटेम्प्ट में मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाला हूँ। जी अभी आप कहाँ पदस्थ हैं, किस पद पे? अभी मैं डिप्टी कलेक्टर के पद में मनेन्द्रगढ़ जिले में पदस्थ हूँ, अभी निर्वाचन का कार्य में संलग्न हूँ। एक जो दिव्यांगता है वो किस तरह आड़े आई, या कभी किसी तरह कोई आड़े नहीं आए, या किस तरह उससे आपने लड़ा और आगे इस तरह सफलता मिली? नहीं, मैं इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया, कभी भी मैं इसको बाधा के रूप में नहीं देखा हूँ, और मैं कभी भी ये नहीं सोचा हूँ कि मैं दिव्यांग हूँ या मुझे कम दिखाई देता है। मैं उसको एक अपने मजबूत पक्ष के रूप में उसको भा रहा हूँ, और वो कहीं ना कहीं मेरे लिए अच्छा काम किया है। किससे प्रेरणा मिली, किस तरह इस सफलता के श्रेय आप इसको दें? सफलता के श्रेय इसके बहुत योगदान है, जैसे मेरे मम्मी पापा है, मेरे भैया भाभी हैं, दीदी जीजा हैं, साथ में जो मेरे बिलासपुर में कोचिंग के जो शिक्षक हैं, साथ में जो दिल्ली में जो कोचिंग के शिक्षक हैं, उनका मार्गदर्शन मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुआ है। काफ़ी छोटा सा गांव है मझगांव, तो छोटी जगह से आपने बड़ा कमाल किया है, तो किस तरह शिक्षा है, कहाँ से किस तरह शिक्षा आपने प्राप्त? वैसे मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव के सरकारी स्कूल से प्रारंभ हुआ, फिर जो हमारे महाराणा प्रताप स्कूल है वहाँ से मैं 12वीं तक एग्जाम 12वीं तक अपना स्टडी किया, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से किया, फिर मैं सोचा कि सिविल सर्वेंट बनना चाहिए, तो फिर मैं बिलासपुर से मैं कोचिंग प्रारंभ किया, फिर मैं दो बार सीजीपीएससी में सफलता अर्जित किया, फिर जब डिप्टी कलेक्टर में सिलेक्शन हो गया तो मैं यूपीएससी की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। और युवाओं को क्या वो आप प्रेरणा देना चाहेंगे या क्या सीख देना चाहेंगे कि किस तरह मेहनत करें और वो सफलता पाएं? मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो अपना लक्ष्य है उसको एक निर्धारित करें, साथ में जो जो डेली रूटीन में है जो पढ़ने का रहता है, साथ में एक टाइम टेबल बना के पढ़े, और जो सिलेबस रहता है, जो एक लक्ष्य निर्धारित रहता है, उसको उसको ही फॉलो करें, किसी और इधर उधर अपना ध्यान ना भटकाएं। सफलता का सूत्र यानी मेहनत ही। जी बिल्कुल, सफलता का सूत्र मेहनत ही है। तो ये हैं प्रीतेश राजपूत, जिनका कहना है कि मेहनत से ही सफलता प्राप्त किया जा सकता है।